Bon présent. बधाई 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 सर, बहुत बहुत। ये सब आपके परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, कौन हैं? सर नहीं, सारी सब चिंता के शायद, बट कंपेनियन के रूप में मैं अपने कजन ब्रदर को लाया हूँ, अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बाकी जो महिलाएं आई हैं वो सब मित्र हैं? सर फिलहाल तो नहीं है, अभी तो नहीं फिलहाल। अच्छा, देवियों संधु मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं कृष्ण सत्य प्रकाश शर्मा जी। ये एक बिजनेसमैन है और पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्ण जी, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। कृष्ण जी, जैसे कि हमने कहा आप एक बिजनेसमैन हैं, किस तरह का बिजनेस है आपका? सर हमारा स्टील का व्यापार है, तो उसमें हम स्टील ट्रेडर्स एंड स्टॉकिस्ट हैं, तो हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कंपनीज को, जो ऑटोमोबाइल में भी लगता है, शुगर केन में भी लगता है, ऐसे वेरियस इंडस्ट्रीज में लगता है। भारत में भी स्टील बनता है और बहुत, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बढ़िया स्टील मिलता है। ऑलराइट सर, आपको कौन सा पास्ता पसंद है? सर वैसे तो मैं पास्ता वगैरह ज्यादा खाता नहीं हूँ, थोड़ा सा इस मामले में हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, ज्यादा जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं। तो पास्ता को जंक फूड बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मतलब मैं थोड़ा घर का खाना प्रेफर करता हूँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। वैसे लेकिन यदा कदा कभी पास्ता भी मार दिया कीजिए, अच्छा होता है। सर पास्ता का तो पता नहीं, अरब भी आता क्योंकि वो मेरा फेवरेट है सर। क्या अब तो हमें खाना ही पड़ेगा। सर वैसे बता दूं आपको, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। हे भगवान, चॉकलेट का मैं इतना बड़ा शौकीन हूँ, मैंने एक टाइम पे सर मैंने लंच नहीं खाया पर मैं चॉकलेट खाता था। पर आपको बताएं, इतनी बुरी बात भी नहीं है चॉकलेट खाना। सर थोड़ा बुरा बात है क्योंकि उस वजह से मैंने इतना खाया, इतना चॉकलेट खाया कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, और इतना हो गया था कि सर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो फिर क्या किया? अभी तो आप एकदम दुबले पतले हो गए। सर उस वजह से फिर बाद में अपने पूरे शरीर पे नियंत्रण रखा, और फिर मैंने जैसे वर्कआउट करता हूँ दो तीन घंटा, जिम जाता हूँ मैं, तो फिर दो तीन घंटे। जी सर। और फिर लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था। लॉकडाउन में समय भी तो मिला होगा जिम करने के लिए? नहीं सर, लॉकडाउन में तो सिर्फ खाना पीना था और पिक्चरें देखना था। आपकी भी बहुत पिक्चरें देखी सर, और खुशी हो। अच्छा, तो पहले कितना था वजन आपका? सर पहले मेरा वजन मेरे बॉडी के हिसाब से तो काफी ज्यादा था, वो 76 था, और मेरा पेट बाहर निकल के आ गया था बहुत ज्यादा। तो अभी कैसे चला गया वापस? अभी 55 है, 20 किलो 5-6 महीनों में मैंने। 55? यस। ए, एक तस्वीर आ गई है आपकी, बिफोर एंड आफ्टर। यस। ये बिफोर में आप हैं? जी मैं ही हूँ वो। नहीं नहीं नहीं, कोई और है सर, कोई मानता नहीं था, पर मैं ये हूँ मैं ही। तभी मुझे सर लोग कभी कभार लोग अंकल बुला देते, अभी सैया बनने की उम्र में भैया अंकल ये सब बुलाते तो थोड़ा तकलीफ होता था। कृष्णा जी, आप एक बिजनेस फैमिली से हैं जी, तो आप हमेशा से ही अपने फैमिली बिजनेस में जाना चाह रहे थे या नहीं? सर मैं जैसे मैं हॉस्टल में पला बड़ा हूँ। अच्छा। मैं और उस टाइम पे मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत मेरी रुचि है, और मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स भी फुटबॉल है। तो खेलते खेलते सर मेरा ये मन हमेशा से रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूं। जी जी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी खुद की एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो, जहां पे काफी स्पोर्ट्स पर्सन आए, जो अंडर प्रिविलेज भी हो वो भी आ पाए, और उनको अच्छी सुविधा मिले। बहुत अच्छी बात कही आपने, वेल डन। जी सर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उससे न केवल वो अपने कला में वो प्रतिष्ठा पाता है, उससे देश का नाम बहुत उठता है। जी सर, देश का नाम बहुत रोशन करते हैं। और अभी केबीसी पे सुनील छेत्री सर भी आए थे। जी जी बिल्कुल जी। तो वो एपिसोड भी देखा और बहुत अच्छा लगा उनको देख के। फुटबॉल के फैन है आप? फुटबॉल के फैन है, तो मुझे बहुत पसंद था। और सर आजकल फुटबॉल की तरफ भी बहुत से लोग आकर्षित हो रहे हैं। सर आप भी बहुत बड़े फुटबॉल फैन है, ये भी है, और हमारे परिवार में अभिषेक और मैं बिल्कुल। और आपको चेल्सी पसंद है? प्रीमियर लीग में चेल्सी फैन है। आप किसके फैन है? सर मुझे एफसी बार्सिलोना पसंद है। बार्सिलोना सर, वो भी बहुत ही बचपन से, और मैं मेसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और हूँ। आप कहीं भी देखेंगे, आपको मेरे वॉलेट में, मेरे रूम में,
मेरे फोन के वॉलपेपर पे आपको मेसी का फोटो जरूर मिलेगा। क्या व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, बहुत खूब। मान्यवर मुझे लगता है कि अब आपकी उम्र हो गई है ना, तो समझ गया। कब हो रहा है ब्याह आपका? सर अभी तक सर कोई ऐसी कोई लड़की मुझे मिली नहीं है, और यही सवाल मेरे घर पे भी पूछा जाता है। इनफैक्ट मेरे पिताजी तो कहते हैं ये काम भी मैं ही करूँगी, तुम करोगे। पर इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोल सकते मेरे लिए तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए कि कोई मिल जाए, जीवन साथी, जीवन संगिनी मिल जाए अच्छी। आपके आशीर्वाद और सपोर्ट से ये हो सकता है सर। तो आज इस खेल के माध्यम से जितने भी महिलाएं हमारे इस खेल को देख रही हैं और जिनको लगता है कि कृष्णा जी जो हैं इस लायक हैं कि ब्याह कर लें, भेज दीजिएगा नुमाइंदा इनके पास। सर हमने देखिए बहुत बड़ी बात कर दी आपके लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ।